देखिए मेरे हिसाब से तो के पाठक अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। क्योंकि आप देखेंगे गांव के स्तर पे जनता बहुत खुश है। बैठक खत्म होने के बाद कोई क्या करेगा, बैठक खत्म हो तो निकलना नहीं, स्वाभाविक ब्रीफिंग के है। समय नीतीश कुमार नजर नहीं आए। किसके समय? ब्रीफिंग जब ब्रीफिंग हो के रही समय थी तो नजर नहीं आए नीतीश देखिए, कुमार। वो अधिकृत किसी को कर दिया गया था ब्रीफिंग के लिए। बैठक तो बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक हुआ, इसमें कहीं दो मत नहीं है, और अच्छे से इंडिया गठबंधन लड़ेगा, मिलके लड़ेगा और रिजल्ट भी आएगा। नमस्कार, मेरा नाम सदनजी और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। जदयू कोटे के विधायक संजीव सिंह आज अपराध को लेकर सरकार को ही घेरा। उन्होंने कहा कि हाँ सच है कि बिहार में अपराध की घटना बढ़ गई है, और शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने कहा, और इंडी गठबंधन की जो बैठक दिल्ली में हुई उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। इन सब बातों को पहले जदयू कोटे के विधायक संजीव सिंह को सुनते हैं। जब बैठक खत्म हुई तो नीतीश कुमार वहां से निकल गए, और कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ रही कि नीतीश कुमार नाराज हैं बैठक के बाद। बैठक खत्म होने के बाद कोई क्या करेगा, बैठक खत्म हो तो निकलना नहीं, स्वाभाविक ब्रीफिंग है। के समय नीतीश कुमार नजर नहीं आए। किसके समय? ब्रीफिंग जब हो रही थी तो नजर नहीं आए नीतीश कुमार। देखिए वो अधिकृत किसी को कर दिया गया था ब्रीफिंग के लिए। बैठक तो बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक हुआ, इसमें कहीं दो मत नहीं है, और अच्छे से इंडिया गठबंधन लड़ेगा, मिलके लड़ेगा और रिजल्ट भी आएगा। सीट शेयरिंग की बात सामने आ रही थी कि इस बैठक में सीट शेयरिंग होगा, लेकिन सीट शेयरिंग की भी सीट कोई बात शेयरिंग की नहीं तो हो पाई। बात हो ही गई है कि 15-20 दिन के अंदर सीट शेयरिंग की भी बात हो जाएगी बिहार में, और जो बिहार के हित के लिए होगा वही होगा। अच्छा, बस अब समझ लीजिए। लालू तेजस्वी में तकरार देखने को भी मिल रही है। लालू तेजस्वी में क्या बोल रहे हैं? नीतीश और तेजस्वी में तकरार देखने को मिली, माफ कीजिएगा। नहीं, हम लोगों को तो ऐसा कुछ नई इन्फॉर्मेशन है, हम लोग तो सब अच्छा ही लग रहा है। राजीव जी, के पाठक को लेकर सवाल उठ रहा है, क्योंकि आपके दल के भी कई MLC और भी पार्टियों के MLC आपके सत्ताधारी वो राज्यपाल से मिल रहे हैं, उनके खिलाफ क्या मामला है पूरा, क्यों नहीं लगाम लग पा रहा है के पाठक? देखिए मेरे हिसाब से तो के पाठक अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। क्योंकि आप देखेंगे गांव के स्तर पे जनता बहुत खुश है। कुछ शिक्षक हैं जो टाइम पे नहीं आते थे, चाहे वो परेशान भले हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक बहुत खुश है। शिक्षा का स्तर बढ़ गया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, और हम लोग खुद नोटिस देख रहे हैं। मैं भी स्कूल जाया करता था पहले जांच करने के लिए, बीच में अभी भी गया, तो जो स्टूडेंट का परसेंटेज है अटेंडेंस का वो भी बढ़ गया है, व्यवस्था सुदृढ़ हो गया है। हम लोग इससे खुश हैं कि भाई शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री के देने कोई पदाधिकारी को जैसा आदेश होता है वैसा काम करता है। ऐसा नहीं है कि के पाठक का नाम होना चाहिए, इसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देन है कि शिक्षा का स्तर सुधर रहा है, जैसा निर्देशित करेंगे अधिकारी वैसा काम करता है। सर, सवाल ये भी है कि कल सभी सांसद नीतीश कुमार से मिलने गए थे, लेकिन सीतामढ़ी के सांसद है सुनील कुमार पिंटू, वो नदारद रहे और कई बार नीतीश कुमार के खिलाफ ही बयान देते नजर आ रहे हैं। वो तो भाजपा के थे ही पहले से, कुछ नया है नहीं, भाजपा के थे फिर से वो भाजपा में जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं लग रहा है हमें, इससे कोई असर हमें नहीं पड़ रहा है। ऐसे कितने सांसद आते हैं जाते हैं, हमारी पार्टी मजबूती से है और विकास कर रही है बिहार में, और आप देखेंगे कि अगर जो हमारा मुद्दा है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, तो भाई अब कुछ क्राइटेरिया को चेंज करें, भाजपा सरकार, केंद्र सरकार और विशेष राज्य का दर्जा दें। आप देखेंगे अभी जो इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार में हो रहा है, तो ये सब पॉजिटिव बात है, इसको भी आप लोग निकालें कि भाई अब बदलता हुआ बिहार है और बढ़ता हुआ बिहार है नीतीश कुमार की कृपा से। व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, आज पटना में ही 4 घटनाएं हो गई रात में, किस तरह से देखते हैं इसको? ये तो मैं भी देख रहा हूँ कि भाई थोड़ा खून ये सब ज़्यादा हो रहा हुआ है इधर, मैं देखा हूँ, लेकिन उस पर लगाम भी लगाया जाएगा और अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। आप देखे होंगे जो कोर्ट में भी अभी जो हत्या हुई थी तो अपराधी पकड़े गए, तो ऐसा नहीं है कि कोई बचेगा। अपराध करके अगर बच जाता तो एक बात होता है, अपराध करके अपराधी इमीडिएट पकड़े जा रहे हैं और कानूनी कार्रवाई भी हो रही है उस पर। माफिया हावी है लगता है। देखिए शराब माफिया तो आप देख ही रहे हैं कि अभी आप दरोगा का भी आज मर्डर हो गया, उसको एक्सीडेंट करके मार दिया गया बेगूसराय में, ये दुखद है, तो पकड़े भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आप क्राइम करके भाग रहे हैं, कानून है तो कानून तोड़ने वाले भी हैं, तो उस पर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रही है, हमारी सरकार सख्त है इस पर। सुशील मोदी कह रहे हैं कि ललन सिंह जो है जल्दी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटने वाले हैं, उनका दिन आ गया है। इसका मुझे जानकारी नहीं है, ये क्या होगा नहीं होगा, जो होगा बिहार के लिए माननीय मुख्यमंत्री अच्छा ही सोच के करेंगे, और उनका एक ही मुद्दा है कि बिहार का विकास हो, और जो बिहार को 18 साल में एक जितना विकास उन्होंने किया है आधारभूत संरचना गांव में से लेके शहर तक, ये एक अच्छा है लोगों में कि भाई
अब अध्यक्ष कौन होंगे नहीं इसकी मुझे जानकारी नहीं है, और घटना लगना तो ये सब लगा रहता है, इसका कोई इशू नहीं है। सर सवाल ये है कि आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह, वो लगातार नीतीश कुमार पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं, फेसबुक पर कई पोस्ट करते हैं शराब को लेकर, कहते हैं नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल खड़ा करने लग जाते हैं। वो तो उन्हीं से पूछिएगा ना, तो वो तो गठबंधन में है तो उन्हीं से पूछा जाए कि क्यों करते हैं नहीं करते हैं, उन्हीं से पूछा जाए कि क्यों कर रहे हैं, इसकी जानकारी मुझे नहीं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। दबाव दिया जा रहा है उनको, हाँ उनको दबाव दिया जा रहा है इस तरह के पोस्ट करने के लेकर, इसका भी जानकारी मुझे नहीं है, ये भी जानकारी मुझे नहीं है। आपने साफ तौर पर जदयू कोटे के विधायक संजीव सिंह को सुना, इन्होंने कहा कि हाँ पिछले दिनों के मुकाबले इधर से बिहार में अपराध की ग्राफ बढ़ गई है, हालांकि इसके ऊपर हम लोग लगाम लगा रहे हैं, पकड़ धकड़ चल रही है, जो भी घटना को अंजाम दे रहे हैं जो भी अपराधी हैं उसे बख्शा नहीं जाएगा और उसकी पकड़ धकड़ चल रही है। और उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि हम पिछले दिनों देख रहे हैं कि स्कूल की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही बेहतर हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। उन्होंने कहा स्कूल में बच्चों की अटेंडेंस सीट ही काफ़ी अच्छी है, हम पिछले दिनों स्कूल जाते थे इधर से हम नहीं जा पा रहे हैं, अटेंडेंस सीट बहुत ही अच्छी है, परसेंटेज बढ़ा है बिहार सरकार में, बिहार सरकार सरकारी स्कूल में। और उन्होंने इंडी गठबंधन को लेकर कहा कि इंडी गठबंधन की बैठक बहुत ही अच्छी हुई है, सफलतापूर्वक समाप्त हुई, हम लोग का एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ना है, हम लोग का यही संकल्प है। इसी तरह के तमाम अपडेट के लिए बने रहिए अग्निशन रिपोर्ट पर, मेरे सहयोगी अस्तो सिंह के साथ मैं सदन पटना।